हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्ट्रीम मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए कैड और कैम होगा। इसके हम चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट की एनालिसिस करेंगे, देखिए जो कि इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, ये आपका लेक्चर सेकेंड। और लेक्चर फर्स्ट को आपको देखने के बाद जस्ट आपको लेक्चर सेकेंड देख लेना है, तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, एकदम माइंड सेट हो जाएगा। देखिए एकदम बेस से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। और देखिए इसका जो पीडीएफ होगा ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा चैप्टर कंप्लीट होने के जस्ट बाद, ठीक है। तो जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन हो जाएं जल्दी से, लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी के साथ आप इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको बहुत ही एडवांटेज मिलेगा। तो देखिए चलते हैं सीधा यहाँ पर, देखिए लेक्चर फर्स्ट में पूरा कवर कर चुके थे, टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा था, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, एकदम सीरीज से टॉपिक के चल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो कैड था, ठीक है, जो कैड था, कैड के एडवांटेज और कैम था, ठीक है, कैम के एडवांटेज, ये सारा कुछ कवर कर चुके थे, ठीक है। आज हम इसके बाद यहाँ पर देखिए बात करेंगे, यहाँ पर हमारा देखिए सिम, ठीक है, यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिफिनीशन इसकी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो देखिए आपको बहुत ही इजी वे में हम बताएंगे, आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जितना हम बताएंगे उससे आप लोग बस फॉलो करते जाइएगा। देखिए यहाँ पर पेज जो है इसका थोड़ा वैसा टाइप का है, आप इसको समझ जाएंगे। और देखिए यहाँ पर देखिए जो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो इंटीग्रेटेड, देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वर्ड तो आप सुन चुके हैं, ठीक है, जनरली आप कैड में भी, ये कैम में भी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो है कैम में आप सुन चुके हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर भी आप सुन चुके हैं, बट यहाँ पर एक न्यू वर्ड है इंटीग्रेटेड। आखिर इंटीग्रेटेड का अगर मीन्स आप जान गए तो समझ लीजिए आप सिम का जो मीन्स है ये आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए जो इंटीग्रेटेड है ये क्या होता है, देखिए जब किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी मशीन पर मोर देन टू ऑपरेशन करें, कितने, देखिए टू ऑपरेशन जब परफॉर्म किया जाता है, टू ऑपरेशन, ठीक है, यहाँ पर देखिए टू ऑपरेशन को जो परफॉर्म किया जाता है, मोर देन टू ऑपरेशन, ठीक है, यहाँ पर देखिए मोर देन टू ऑपरेशन को जब आप परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कहलाता है क्या, इंटीग्रेटेड, यानी कि एक कंबाइंड फॉर्म, ठीक है, कंबाइंड ऑपरेशन यानी मोर देन टू ऑपरेशन जिस भी प्रोडक्ट पर हम ऑपरेट करते हैं वो हमारा इंटीग्रेटेड कहलाता है। जिस भी प्रोडक्ट पर हम दो ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, या दो से ज़्यादा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड कहलाता है, यानी यही हमारा क्या है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कंप्यूटर की हेल्प से जब हम दो से ज़्यादा ऑपरेशन कर सकते हैं वो हमारा सिम कहलाता है। तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है सिम का। तो देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर इसके, यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है इसको भी जान लीजिए, इसे हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर एकीकृत उत्पादन, यानी इसका तात्पर्य क्या है, देखिए विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें कंप्यूटर नियंत्रित मशीनरी और स्वचालन प्रणाली से, देखिए स्वचालन प्रणाली से है इसका अर्थ। और यहाँ पर देखिए सिम जो है ये क्या है, कैड और कैम का एक कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, जैसी देखिए जैसी विभिन्न तकनीकों को, यानी कैड और कैम जैसी विभिन्न तकनीकों को आपस में जोड़ती है सिम, जो एक त्रुटि मुक्त उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया प्रदान करती है। और देखिए जो सिम है इसके द्वारा क्या होता है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग श्रम यानी कि परिश्रम को भी कम किया जाता है, यानी जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग मतलब जितना भी वर्क है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम से कम मेहनत दिया जा सकता है। और देखिए इसको दोहराए जाने वाले कार्य को स्वतः संचालन होता है, ठीक है, जो दोहराए जाने वाले जो वर्क हैं वो अपने ऑटोमेटिक ही चलने लगता है सिम के जरिए, ठीक है। तो आपको याद रखना ये कॉम्बिनेशन भी है किसका, कैड और कैम का, सिम क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि जब हम मोर देन टू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सिम होता है, आपको ये जनरली याद रखना है। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए तो देखिए अब हम बात करेंगे यूजेज ऑफ सिम, यानी सिम का जो यूज़ है वो हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जो हमारा सिम होता है इसका यूज व्यापक रूप से मोटर वाहन, विमान, ठीक है, यानी मोटर वाहन और विमान, और देखिए अंतरिक्ष और जहाज निर्माण उद्योगों में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, मैक्सिमम यूज आपका यहीं पर होता है। अब देखिए हम बात करेंगे कि ऑटोमेशन, ठीक है, यहाँ पर देखिए
कि ऑटोमेशन वर्ड से भी आपको पता चल रहा होगा कि ऑटोमेशन क्या है, एक स्वचालन है, ठीक है, यानी कि स्वचालन यानी कि अपने आप ही चले, ठीक है, यानी ऑटो मीन्स क्या होता है, स्वयं, तो स्वयं जो चालन मतलब कंडक्ट होता है वो हमारा कहलाता है ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेशन। यहाँ पर देखिए ऑटोमेशन है, यहाँ पर ए कर लीजिएगा आप, तो देखिए कैड ऑटोमेशन एंड कैड कैम, तो यहाँ पर देखिए स्वचालन को उत्पादन के संचालन, यहाँ पर देखिए स्वचालन के उत्पादन के संचालन और नियंत्रण में जटिल यानी कॉम्प्लेक्स यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर आधारित प्रणालियों के अनुप्रयोग से संबंधित तकनीक के रूप में परिभाषित किया गया है। इतना आपको समझ लेना है, ठीक है। और देखिए जो कैड और कैम और स्वचालन के बीच संबंध स्थापित करना इस भाग का उद्देश्य है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए उत्पादन में शामिल विभिन्न फर्मों के लिए उत्पाद चक्र यानी जो प्रोडक्ट साइकिल है इसको लागू करने के लिए तरीके में अंतर है। उत्पादन गतिविधि को चार मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये चार मुख्य श्रेणी देखिए यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि जो देखिए कॉन्टीन्यूअस फ्लो प्रोसेस है, दूसरा है मास प्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रीट प्रोडक्ट्स है, उसके बाद आपका है बैच प्रोडक्शन, और उसके बाद जस्ट आपका है यहाँ पर जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें से सबसे ज़्यादा आपका मास प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरव्यू में भी आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मास प्रोडक्शन क्या होता है। तो व्हाट इज़ मास प्रोडक्शन, यहाँ पर देखिए अब स्टेप बाय स्टेप हम सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे कि आखिर होता क्या है, इसके बारे में डिस्क्राइब से जानेंगे, ठीक है, एकदम डिटेल्स में। तो देखिए यहाँ पर कॉन्टीन्यूअस फ्लो प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस में बड़ी मात्रा में निरंतर थोक उत्पादन किया जाता है, यानी कि थोक उत्पादन होता है, ये आपका मेन है, ठीक है, थोक उत्पादन किया जाता है इस प्रोसेस में। देखिए जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे रासायनिक संयंत्र हो गया, तेल शोधन हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। मास प्रोडक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पर मास प्रोडक्शन आपको देखिए बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, इस प्रक्रिया में किसी एक उत्पाद का बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करना वही हमारा मास प्रोडक्शन होता है। मतलब कोई भी एक हमारा प्रोडक्ट है उसको हम बहुत ही बड़ी मात्रा में उसको हम प्रोडक्शन कर सकते हैं उस प्रोडक्ट का, तो वो हमारा मास प्रोडक्शन कहलाता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए ऑटोमोबाइल हो गया, आप ऑटोमोबाइल उपकरण और इंजन ब्लॉक हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। बैच प्रोडक्शन क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में एक ही उत्पाद का प्लाट जो देखिए जो लॉट होता है उसमें उत्पादन किया जाता है, इसमें किसी भी निश्चित उत्पाद का एक बार में या समय समय पर उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप इसका एग्जांपल, तो जनरली आप जानते हैं किताब जैसे हो गया, ठीक है, जैसे आपकी किताबें हो गए, कपड़े हो गए, ये क्या समय समय पर भी इनका प्रोडक्शन होता है समय समय पर। देखिए जैसे आपका औद्योगिक मशीनरी हो गया, ये सभी इसके एग्जांपल के अंतर्गत आ जाते हैं। जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, देखिए जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है इसको भी जान लीजिए। यहाँ पर देखिए इस प्रक्रिया में किसी विशेष उत्पाद का एक ही तरह का कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है, ये बाय यानी कि आप कह सकते हैं मिनिमम प्रोडक्शन इज कॉल्ड जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यानी देखिए बहुत ही मतलब एक विशेष कोई प्रोडक्ट है आपका, उसको देखिए कम मात्रा में जब उसका प्रोडक्शन होता है तो वो हमारा कहलाता है जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उत्पाद देखिए जो है अक्सर अनुकूलित और तकनीक रूप से जटिल होते हैं, यानी कि ये काफ़ी कठिन होते हैं, इसलिए इसका प्रोडक्शन मिनिमम होता है, ठीक है, याद रखना है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए प्रोटोटाइप हो गया आपका, विमान उपकरण हो गया, और जैसे आपका मशीन उपकरण हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी पार्ट्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए अब हम बात करेंगे रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैड कैम, यानी कि देखिए कैड कैम के कार्यान्वयन के कारण क्या हैं, तो इसको भी जान लेना। एग्ज़ाम में कई बार 5 मार्क्स का आपको यहाँ पर डिडक्ट मतलब अगर आप नहीं करते तो डिडक्ट कर लिया जाता है, तो ये आपको करके आना है एग्ज़ाम में जब आएगा तब, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर इसको भी जानना जरूरी है। कैड कैम प्रणाली को लागू करने के लिए देखिए कई मूलभूत चरण होते हैं, जैसे आपका देखिए कारण है, जैसे आपका कई कारण है, आपको यहाँ पर कई कारण मिलेंगे जिसको आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए
बढ़ती उपभोक्ता मांग जैसे हो गया, नई तकनीक कैड कैम या सीएई देखे हमने बताया था। तो कमेंट बॉक्स में जो स्टूडेंट सीएई हमने बताया था जिनको याद है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या कि सीएई का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए देखे उच्च गुणवत्ता और जो सस्ता उत्पाद होता है उसकी कार्यान्वयन की योजना के मूल सिद्धांतों पर आधारित होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए निर्माता जो कैड कैम सिस्टम की जो पद्धतिगत है उसको कार्यान्वयन करते हैं वे अपने स्वयं के उत्पादों को गुणवत्ता में देखे वृद्धि का अनुभव करते हैं जिससे बाजार में जो है वो प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, यानी कि जो उनके कस्टमर हैं वो भी बंधे रहते हैं, ये आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसलिए जो कैड कैम है इसके प्रणालियों की व्यवस्थित कार्यान्वयन को करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपका रीजन फर्स्ट देख लीजिए, रीजन फर्स्ट आखिर क्या होता है कि देखिए जो आपका कैड है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आपका कैड है तो यहाँ पर देखिए कैड प्रणाली में डिज़ाइनिंग की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और देखिए विनिर्माण प्रक्रिया की उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक एवं तकनीकी जो उक्त तकनीकी हैं उनके उपयोग के कारण ये होता है। दूसरा कारण अगर हम बात करें दूसरे रीजन की तो देखिए एकीकरण यानी जो इंटीग्रेशन इंजीनियरिंग कार्य हो गया, ठीक है, और जैसे आपका डिज़ाइन एनालिसिस और मैन्युफैक्चरिंग ये सभी के कारण होता है। थर्ड अगर हम रीजन की बात करें तो देखिए प्रोडक्ट की जो कीमत है उसमें प्रतिस्पर्धा। फोर्थ रीजन अगर हम बात करें तो देखिए प्रोडक्ट की गुणवत्ता और उत्पादकता यानी प्रोडक्शन। फिफ्थ रीजन जो है देखिए मैन्युफैक्चरिंग की लागत को रिड्यूस करना। देखिए सिक्स जो रीजन है वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग की लचीलेपन में वृद्धि। सेवन्थ रीजन है देखिए अधिक कुशल योजना और विनिर्माण की प्रक्रिया का बेहतर नियंत्रण यानी कंट्रोल। देखिए आठवां नंबर है रीज़न वो क्या है, डिज़ाइन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, कोई भी एडिटिंग करने के लिए। नौवां जो रीज़न है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया में गुणवत्ता करने के लिए। और जो देखिए दसवां है और आपका जो लास्ट है वो है कैड कैम के संचार को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये सभी आपके देखिए यहाँ पर जितना भी है आपको यहाँ पर इस टॉपिक में से जितने भी हमने बताए हैं टॉपिक्स उसमें से आपका देखिए पाँच नंबर का एक टॉपिक आपका इसमें से आएगा कंपलसरी। और देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर थर्ड, ठीक है, लेक्चर थर्ड में जो आपका चैप्टर है ये लेक्चर थर्ड, इसमें आपका जो ये चैप्टर है ये ऑलरेडी आपका फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो चैप्टर है आपका लेक्चर थर्ड में एकदम कंप्लीट हो जाएगा और इसका पीडीएफ आपको लेक्चर थर्ड के जस्ट बाद आपको मिल जाएगा। और लेक्चर थर्ड जो है इसमें देखिए आपका 5 मार्क्स का आपका इस लेक्चर से फंसेगा। ठीक है, 5 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम होगा 5 मार्क्स का इसमें 100% फंसेगा 100%। ठीक है, तो उस लेक्चर को आपको एकदम कम्प्लीटली देख लेना है और नोट में जो नोटबुक है आपको उसमें लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर थर्ड। तो देखिए यहाँ पर बस इतना ही और मिलेंगे लेक्चर थर्ड में। और देखिए जितना भी है ये आपको समझ में आ गया हो और देखिए जो हमने बताया कमेंट बॉक्स में उसको जो आपका सीएई था, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है ताकि हम समझ सकें कि आपकी स्टडी चल रही है या नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।